वेलकम बैक टू माई चैनल ऋषि गोपाल सबाइस व्लॉग। कैसे हो सब? होप से बहुत अच्छे हो गए। तो मैंने कहा था आज मैं तो आपको स्पेशल व्लॉग दिखाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ आज एक शूट के लिए, एक मेकओवर शूट के लिए। तो बस नेचुरल जाऊंगी क्योंकि वहाँ वैसे भी साफ़ सफाई फेस की होती है, तो इससे अच्छा नेचुरल जाओ और नेचुरल जाके अपना मेकओवर डायरेक्ट शुरू कर दो। तो चलो चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। बहुत दूर जाना, धूप भी बहुत ज़्यादा है, बट काम है तो जाना तो पड़ेगा। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। और ये बदतमीज़ एक जो है वो हमेशा मरने की एक्टिंग करता रहता है, पता नहीं ये इतना शैतान क्यों हो गया है। मुंडी मुंडी सब अंदर घुसेड़े रहता है, देखो देखो देखो, हिल भी नहीं रहा। और ये वाला ये टहलता रहता है, ये अच्छा है वो नहीं अच्छा है। हम आ गए शिवाना मेकओवर। और हर बार की तरह इस बार भी ऋतु के लेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है उसको। सो गाइस, यहाँ पे मेरा मतलब ट्रांजेक्शन रील शूट हो रहा था, तो उसी के लिए मैं रेडी हुई थी। तो हाफ़ ट्रांजेक्शन शूट हो रहा था और यहाँ पे शिवानी शूट कर रही थी, तो वो थोड़ा थोड़ा बीच में बोल रही है। बाकी आप देख लो कैसा क्या शूट हो रहा है, बाकी मुझे बताना कैसा लगा आपको। सो गाइस, यहाँ पे फेस क्लीन अप और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट लगाए जा रहे हैं वो आप एक एक करके देख सकते हो। ये शूट के लिए हो रहा था क्योंकि हमारी जो रील शूट होके आएगी पूरी वो तो इंस्टाग्राम पे ही आएगी, तो ये प्रॉपर उसी के लिए शूट हो रहा। कैमरे से भैया शूट कर रहे थे, बाकी एडिट करके जो भी आएगा वो तो इंस्टा पे ही आएगा। तो इंस्टा पे जाके ज़रूर चेक करना ऋतु कश्यप 0522 पे, और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी इसमें थोड़ा बहुत तो आपने इसमें ही लुक देख लिया, बाकी आप इंस्टा पे ज़रूर चेक करना कि आपको कैसा लगा। ये मेरा मेकओवर हो रहा था, तो आज तो मैं रेड रेड पहन के एकदम सुहागन चुड़ैल सीरियल आने वाला, आपने सुना है ना, एकदम वैसे ही लगूंगी। लास्ट में आप लोग भी देखना और बताना मैं कैसी लगी। ये तो रही मजाक की बात, फ़िलहाल मैंने रेड पहली बार पहना है और मुझे अच्छा लग रहा था, एकदम फील आ रहा था ब्राइड वाला लास्ट में। अभी तो मेकओवर हो रहा है, अभी तो देखते जाओ। आईज मेकअप चल रहा था, आईब्रो वगैरह मेरी बनी नहीं थी, वो भी सेट करना पड़ा। सो गाइस, यहाँ पे लिपस्टिक लग चुकी थी, बाकी ब्लश वगैरह और ये सब हो रहा था। मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कम करके करना पड़ा क्योंकि सॉन्ग बज रहे थे, पक्का कॉपीराइट आता। तो बाकी का मेकओवर आप देखो, मेकओवर काफ़ी अच्छा हुआ था, मैंने लास्ट में बताया भी है कहाँ से मैंने करवाया, अगर आपको करवाना तो आप जा सकते हो। और ये
रितु का मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस देखो भाई मेकओवर हो गया है, बाल थोड़ा सा भी बनेंगे, बन जाएंगे थोड़ी देर में। और आज मैंने एकदम बहुत क्या बोलूँ महारानी वाली फीलिंग आ रही है, एकदम भारी भारी सा। नहीं दुल्हन बनने की मुझे इतनी जल्दी नहीं, ये तो आप लोगों को भी पता है ना। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, मेरे को ये अपनी ब्राइडल को चूड़ा पहनाते हुए, और ब्राइडल बहुत ज़्यादा ही नर्वस लग रही है। फाइनली रितु का मेकअप कंप्लीट हो चुका है, ज्वेलरी वगैरह भी। और ये रितु का मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, अरे तो एकदम रेडी है, थोड़ा सा स्माइल कर दो। मेकअप पूरा रितु दुल्हन लुक में कंप्लीट। बस 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 शर्म आ रही है। यहाँ पे आपकी रितु रेडी हो गई, कैसी लग रही कमेंट में बताना, क्योंकि आप ही बोल रहे थे कुछ नया ट्राई करो ब्राइड बनो, तो लो बन गई मैं। कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना, बाकी तो शिवानी ने सब दिखा ही दिया है। शिवानी थैंक यू मेरी व्लॉगिंग करने के लिए। और गाइज ये अभी रुको एक सेकेंड, ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट शिवाना जी, हेलो, शिवानी नाम है मेरी फ्रेंड का भी नाम शिवानी। तो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप किया है, थैंक यू सो मच। और बाकी तो मेरे गाइज रिव्यू दे देते हैं कैसा क्या है, और बहुत अच्छा लगा मुझे पहली बार ऐसे रेड रेड कहन के। थैंक यू। सो गाइस अगर आपको मेकओवर करवाना है तो आप शिवाना मेकओवर कृष्णानगर में आ सकते हैं, और बहुत अच्छा मेकअप करती है। ऐसे देखिए भाई आपकी जो है ये लट्टे बहुत बढ़िया दिख रही है सच में, इतनी देर है देखो आराम से भी कहीं पार्टी में जाना तो बिगड़ गए। पैसा लेके एंट्री करते हैं मैम आपके लिए, हम फ्री में कर देते। ये बताई नहीं थी पहले मुझसे, पूछ रही थी यार नहीं उसकी से। पीछे करिए ना जैसे पहनते हैं चूड़ी से खेलते हुए लड़की। 24 है मैंने गिनी थी लगी कम हो तो फेंक देना ठीक है, उतार के कम हो तो फेंक देना। 24 से कम नहीं करिए चूड़ियों की, तब करिए और ऐसे ही खिंचाइए नहीं खाली देखिए चूड़ी करते रहिए आप, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे स्टाफ, इनका बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। और भाई शिवानी जी ने तो बहुत अच्छा मेकअप किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप कभी मतलब जो भी कृष्णानगर में वो तो आ ही सकते हैं, लखनऊ के लोग भी आ ही सकते हैं। तो बहुत अच्छा मेकअप किया शिवानी ने, बहुत ज़्यादा हेल्प की, भले वो कुछ बोली नहीं पर उसने बहुत हेल्प की है। और चलिए गाइस घर चलते हैं, थैंक यू। आपका नाम क्या था आप सबका? नैन्सी स्माइल कराने में बहुत अच्छी है, क्या बोलूं। सो गाइस देखो मेरी प्यारी प्यारी फैंस यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम कान कैसे लगते मेरे वीडियोस, बताओ कैसा एटीट्यूड तो नहीं लगता ना सामने से देख के, एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को सिर्फ लगता है कि मैम के अंदर एटीट्यूड है, बहुत अच्छी है मैम। जूस आपने तो कभी देखा नहीं होगा।
हो गया हमारा। आपने देखा है राजनाथ सिंह आए थे, उसके चक्कर में किधर से किधर जाना पड़ रहा है, बस पूछो नहीं घर पहुंच जाए, ये बात मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, सोचो। आज तो राजनाथ जी ने आके हम लोगों की जिंदगी बर्बाद की, हमें कहाँ कहाँ से आना पड़ा, श्रृंगार नगर इधर उधर, उधर इधर मेट्रो, उधर मेट्रो, तब जाके हम मैं घर पहुँची हूँ। गाइस रात के 9 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, और अब मैं खाने जा रही हूँ मैगी क्योंकि मेरे मुँहा है तो मुझे मैगी ही सबसे अच्छी लगेगी। तो चलो गाइस मैगी खाते हैं विद पराठा, कुछ नया ट्विस्ट, क्योंकि भूख भी लगी तो मैगी खाली खाने से तो काम नहीं चलेगा, तो पराठे के साथ खाऊँगी मैं। और देखती हूँ कुछ घर में जो कुछ भी बना वो बहुत ज़्यादा मुझे तीखा लग रहा है तो इसलिए, और मेरे नेल्स की तारीफ़ कर देना थोड़ी, और मेकअप वगैरह कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और चलो मैगी दिखाती हूँ आपको, आज मैंने बॉयल मैगी बनाई है, आज मेरे में पैरों में था ही नहीं दम कि मैं बॉयल से अलग कोई मैगी बनाऊँ। सो गाइस मैगी विद पराठा। हेलो